पहली गेंद और पहली गेंद को आसमान दिखाते हुए बल्लेबाज अनंत वाघ। रिवर्स दागने की कोशिश की कामयाबी, डीथल मैन बाउंड्री के बाहर 6 रन। दूसरा छक्का ओवी 11 बदलापुर के बल्लेबाज अनंत वाघ की तरफ से। 3 गेंदों में 2 छक्के, ये होना भी चाहिए। माहौल अब देखिए, माहौल बारिश के आसार है। अगले मैच में बूंदाबांदी हो सकती नजर आ रहे हैं। रबर बॉल क्रिकेट का मजा गिरती हुई बारिश में बहुत ज्यादा आता है, लेकिन फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। गुणवत्ता के आधार पर आगे आगे थोड़ा सा स्टेप आउट हुए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, डीप अच्छा कवर, बाउंड्री के बाहर 6 रन। गेंदों में 3 छक्के आ चुके हैं और छठवीं गेंद के ऊपर इस ओवर का 4th छक्का। पिछले मैच में हमने देखा था जो आर्यन भिवंडी ने जीता था, नंबर 2 ओवर किया था विवेक शेलार ने, और उसके बाद इस वक्त विकेट निकालने के लिए विवेक शेलार को बुलाया गया, लेकिन ये दांव उल्टा साबित हुआ। आर्यन बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, गेंद ट्रैवल हो रही है, डीप थर्ड मैन क्षेत्र पर 1 ही रन मिलेगा। दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन रन मिला 1। कलयुग के सारे इस गेंद को मोड़ा, दूसरा रन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 2 रन बचाए गए। अच्छी फील्डिंग हुई क्योंकि गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, क्या बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। जरा इस प्रतीक विषय की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा, 4 रन बचाए इन्होंने अपनी गेंद। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला गया, 1 रन जरूर पूरा किया गया जा चुका है, दूसरा रन पूरा करने की कोशिश और कामयाबी, गलत एंड पे थ्रो था यहाँ। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला, क्या मिलेगा, नंबर 4 लोगों के बीच में से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला गया इन 4 रनों के साथ। तेज डाली गई गेंद थी ऑन साइड के ऊपर, अनिल ने इस गेंद को खेला, शाहपुर ओवी 11। सामाजिक क्षेत्र हो या समाज सेवा क्षेत्र हो, मदर टेरेसा, ये ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर ये छक्का आता हुआ, और इस छक्के के साथ रनों ने अतिरिक्त उछाल लिया स्कोरबोर्ड के ऊपर 49। नारी शक्ति के बारे में मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, ना रानी धर्मा होती